महाराणा प्रताप के जन्मदिन के अवसर पर आज वाराणसी में पद्मश्री चंद्रशेखर सिंह को सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र के भाजपा अध्यक्ष और पूर्व गृहमंत्री कृपा शंकर सिंह ने किसान चंद्रशेखर को सम्मानित किया। राष्ट्र के गौरव है, आज उनका केवल नाम लेने से ही हम लोग का रोमा जो है रोमांचित हो जाता है, और ऐसे महापुरुष को जो है सदियों तक जो है हम याद किया जाएगा, और उन्हीं की प्रेरणा लेकर के जो है देश जो है हमेशा खड़ा रहेगा और खड़ा रहा है। आज 50-60 सालों में जो हमारा खाद्यान्न था पूरा दूषित हो गया है रासायनिक खाद कीटनाशक डालने की वजह से। आज के अनाज से पहले का घास ही अच्छा था, जो कि महाराणा प्रताप ने खा करके जो है अकबर का जो छक्का छुड़ा दिया। आज हम लोगों को फिर से जो है प्राकृतिक खेती जैविक खेती करके उसी तरह अन्न खा करके महाराणा प्रताप की तरह बनना है और देश की रक्षा करना है। महाराणा प्रताप की जयंती है और जयंती सिर्फ देश में नहीं विश्व के कई कोनों में भी मनाई जा रही है। महाराणा प्रताप का नाम लेते ही चेतक दिखाई पड़ता है, महाराणा प्रताप का नाम लेते ही पूरे शरीर में एक अलग ढंग का कंपन होता है, और जब उनके भाला की उनकी मतलब ढाल की उनके तलवार की बात करते हैं मुझे लगता है कि वो महापुरुष धरती पर जन्म नहीं लिए अवतार लिए थे, और उन्होंने मुगलों के छक्के छुड़ाए अकबर के छक्के छुड़ाए, और जो कृषि प्रधान देश हमारा भारत है और हम लोगों के गौरव हैं आदरणीय चंद्रशेखर सिंह जी जिनको पद्मश्री से 2021 में सम्मानित भारत सरकार द्वारा किया गया। हम ही चाहते हैं कि ये सम्मानित जो है पद्मश्री का सम्मान इनको अकेले को नहीं मिला है, हम तो कहेंगे सारे किसानों को मिला हुआ है, उसका अनुकरण करें।